हे गाइस, आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूँ GTA 5 के एक और न्यू अपडेट के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है। मैंने बीच में चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि चैनल पर कुछ दिक्कत थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, हाँ, मैं एक न्यू अपडेट यहाँ पर लेकर आ गया हूँ एंड इस गेम का क्रेडिट जाता है हैदर अली चैनल को। आप यूट्यूब पर जाकर उनका चैनल सर्च कर सकते हो, वो इस गेम के डेवलपर हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस गेम के बारे में बात करते हैं। अब देखो, गेम का जो साइज जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो लो रैम वाले डिवाइस वाले मतलब कि जो हैं वो दूर ही रहें, क्योंकि इस जो गेम का साइज है 2 GB के करीब रहने वाला है। तो अगर आपके फ़ोन में 2 या 3 GB रैम वाला फ़ोन है आपके पास, तो मतलब कि दूर ही रहें, काफ़ी ज़्यादा लैग करेगी गेम, प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी। तो मैं ये शुरू में ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत गेम के बारे में बात कर लेते हैं। गेम के ग्राफिक काफ़ी अच्छे यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं एंड गेम में मतलब कि करेक्टर स्विचिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अपनी ओरिजिनल जो GTA 5 है उसमें देखने को मिल जाता है। एंड तीनों करेक्टर देखने को मिलेंगे, व्हीकल देखने को मिल जाएंगे एंड पैड्स भी देखने को मिल जाएंगे एंड एक दो मिशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको कंप्लीट कर कर आप इस गेम में मजे कर सकते हो, ठीक है। बाकी गेम जो है पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुई है, हालांकि मुझे पता है कि GTA 5 जो ओरिजिनल है उसको भी आप अपने डिवाइस में प्ले कर सकते हो आज के टाइम पर, बट हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब कि एक अच्छा फ्लेक्सिव प्रोसेसर वाला फ़ोन होना चाहिए तभी आप ओरिजिनल GTA 5 को अपने फ़ोन में खेल पाओगे, ठीक है। बट हाँ, ये जो मतलब कि फैन मेड गेम है या फिर रीमेक गेम है, ये आप 4 से 6 GB रैम वाला फ़ोन कोई भी हो उसमें आराम से इजीली रन कर पाओगे एंड आप GTA 5 का इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ले सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ी बहुत गन भी देखने को मिलेंगे, व्हीकल भी देखने को मिलेंगे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, एंड बहुत बड़ा मैप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है रिसेंट के अपडेट में, ठीक है। तो आप इस गेम को आराम से अपने डिवाइस में प्ले कर सकते हो, ठीक है। रिसेंट के अपडेट में गेम में काफ़ी कुछ ऐड कर दिया गया है, आप इसको मतलब कि चेकआउट कर सकते हो। बाकी इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, मतलब कि इसी की वजह से मेरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो हाँ, आप लोगों को पता ही है कि गेम कैसे और कहाँ से अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। It's not a game, it's a